क्लास आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन एंड एसिड रेन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल साइंसेस क्या होती हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस इट इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी एकेडेमिक फील्ड दैट इंटीग्रेट फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। मतलब ये इस तरह की फील्ड है जिस जो इन सब को जो है ना, मतलब इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो और इंफॉर्मेशन साइंसेस हो। अब इन सारी साइंसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडिंग इकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्लांट साइंस, जूलॉजी, मिनरोलॉजी, ओशनग्राफी, लेमनोलॉजी, सॉइल साइंसेस, जियोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस टू द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। एक्चुअली ये एनवायरनमेंट को स्टडी करती है ना, इसलिए एनवायरमेंटल साइंसेस कहलाती हैं। और एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ एन एनवेलप ऑफ द गैसेस दैट कवर्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो गैसेस से कवर किया गया पोर्शन है ना, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये एक एनवेलप की तरह कवर किया हुआ है इसने हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को। इट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर थिक। ये ऊपर जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ चले जाते हैं ना, ऑन टूवर्ड द स्काई, तो ये उस तरफ की बात कर रहा है। इट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर थिक द एयर वी ब्रीद इन द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब हवा जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। जैसे आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर क्या है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कंसीडर होते हैं ना। इसी तरह इसके आगे फर्दर लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो सारा कुछ जो है ना एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। और ये पूरा जो है ना, ये इस रेंज में होता है, 200 किलोमीटर के रेंज में होता है। तो ये हमें क्या करती हैं, मतलब हम सांस लेते हैं तो भी इसी एटमॉस्फेयर के अंदर से लेते हैं, और इसके अलावा जो हार्मफुल रेडिएशन सन से आती हैं उन सब कुछ जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी हमें एटमॉस्फेयरिक जो लेयर्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद चलते हैं हम पोल्यूशन की तरफ। पोल्यूशन की डेफिनेशन होती है, उसमें फर्दर जो नए टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं वो, और पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं हम पर, हम वो पढ़ेंगे। पोल्यूशन बिफॉलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। मतलब एनवायरनमेंट का ख़राब होना किसकी वजह से, वो उन सारी चीज़ों की वजह से जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं अपनी ह्यूमन लाइफ के अंदर, और या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उन सब की वजह से वो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कहलाते हैं। टाइप्स क्या हैं हमारे पास? सम मेन टाइप्स ऑफ द पोल्यूशंस आर एयर पोल्यूशंस और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस और वाटर पोल्यूशंस, रेडिएशन पोल्यूशंस एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करें, मतलब हमारी एयर को जो गंदा करते हैं वो एयर पोल्यूशन में आ जाते हैं। वाटर पोल्यूशन जो हमारे पीने के पानी को, यूज़ करने वाले पानी को ख़राब करते हैं, लाइक फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटीरियल होता है वो वाटर पोल्यूशन का कॉज करता है। रेडिएशन पोल्यूशन, ये बहुत सारी चीज़ों से रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशंस जो है ना हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं, वो रेडिएशन पोल्यूशन में आ जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, जितना ज़्यादा गाड़ियाँ हम यूज़ करेंगे तो उससे जो प्रोड्यूस होती है वो नॉइस पोल्यूशन होती है। नॉइस पोल्यूशन भी हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, इरिटेशन का बायस करते हैं, मतलब चिड़चिड़ापन पैदा होता है, लोगों के जो है ना सुनने की हिस को ख़त्म कर देती है नॉइस पोल्यूशन। तो अब चलते हैं एयर पोल्यूशन की तरफ। हम इसमें सिर्फ एयर पोल्यूशन ही एक्सप्लेन करेंगे। एयर पोल्यूशन की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं वो एक ये हो सकता है कि उसमें ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो सकती है, और दूसरा उसकी वजह से हो सकता है कि एसिड रेन का बायस बनती है एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, द बिफॉलिंग ऑफ द एयर बाय एनीथिंग दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इन एयर पोल्यूशन। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एयर को पल्यूट करती है, जो कि इंसानों को हार्मफुल कर सकती है, वो एयर पोल्यूशन में आती है। अब पल्यूटेंट्स क्या हैं? एयर इज़ नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज, मतलब हवा जो हमेशा से इसी तरह साफ नहीं जिस तरह से कही जाती है। दैट मे हार्मफुल, इट मस्ट बी हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपोनेंट्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द मैन। मतलब वो कहते हैं कि हवा इस तरह से साफ नहीं थी जैसे पहले थी, इसमें जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम फैसिलिटीज़ को यूज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे एयर मोर पोल्यूटेड होती जा रही है। एयर में क्या इंक्लूड होते जा रहे हैं? डिफरेंट केमिकल्स इंक्लूड होते जा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपोनेंट्स इन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑल दीज आर द केमिकल्स विच इंक्लूड इन द एयर।
ये किस वजह से इंक्लूड होते हैं, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंक्लूड होते हैं, ये हम जो है ना गाड़ियों के धुएं की वजह से होते हैं, ये फैक्ट्रियों के जो केमिकल्स होते हैं उनसे निकलने वाले धुओं की वजह से होते हैं, या फिर ये रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ करते हैं उनमें से निकलने वाली जो केमिकल्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सब की वजह से जो है एयर पोल्यूट होती है। और वे सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी एयर को पोल्यूशन करती हैं ये हार्मफुल होती हैं, किससे? दीज आर द हार्मफुल सब्सटेंस नोन एज द पोल्यूटेंट्स, सारे सब्सटेंस जो हैं पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या है? ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एक फॉर्म है, मतलब इसकी एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर पे, पहली लेयर जो है, इट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ। मैंने आपको बताया था ना कि उसकी जो एटमॉस्फेयर उसकी कितनी थी, उसकी थी 200 किलोमीटर थिक था वो, तो उसमें जो पहली लेयर है वो 10 to 50 किलोमीटर है अबव द अर्थ, वो कौन सी लेयर है? वो हमारे पास है ओजोन लेयर की। उसके बाद है इट फिल्टर्स मोस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अस, मतलब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से अर्थ की तरफ आती हैं वो सब जो है ना डायरेक्ट क्यों नहीं आती, वो हमें ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट कर लेती है। अगर वो डायरेक्ट आती तो इस टाइम जो पूरी जो है ना यहाँ पर अर्थ पे लोग होते उनको कैंसर होता या फिर उनकी आईसाइट वीक होती, तो इसलिए इन सब की वजह से ना ये आजकल ये जो सारी डिजीज़ हैं ये बढ़ रही हैं, कैंसर की ये और स्किन की इस वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं। इट प्योर्स इन प्योर फॉर्म ओजोन इज़ ब्लूइश एक्सप्लोसिव एंड हाईली पॉइजनस गैस, मतलब अगर प्योर फॉर्म में ओजोन देखें तो एक ब्लूइश एक्सप्लोसिव है, ब्लू कलर का होता है और वह हाईली पॉइजनस गैस होता है, मतलब ये हमारे लिए वैसे डायरेक्ट हम ओजोन लें तो वो नुकसान दे O3 ग्रुप, लेकिन या जो अल्ट्रावायलेट रेज है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए हमें फ़ायदा हो जाता है। द लेयर ऑफ ओजोन इज़ बिकमिंग थिनर एंड द होल इज़ अपेयरिंग ऑन इट ड्यू टू पोल्यूशन, देयर फॉर मोर अल्ट्रावायलेट रेज आर रीचिंग ऑन अर्थ, मतलब मैंने आपको बताया ना कि अब डिजीज़ जो है वो बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ओजोन लेयर हमारी थिनर होती जा रही है और मोर अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएंगी तो क्या होंगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी, अपेयरिंग द पोल्यूशन एयर में पोल्यूशन बढ़ जाएगी। O3 मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ द 3 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, वही ना मैंने कहा था O3 है, 3 ऑक्सीजन एटम को मिलकर बना है। कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने ये पीछे जब पोल्यूटेंट्स की बात की थी तो उसमें बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन डिप्लीशन होती है। दीज आर द केमिकल्स दैट आर लार्जली यूज इन कूलिंग सिस्टम, ये जो आजकल हम रेफ्रिजरेटर एक्सेस क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं, मतलब एक घर में 4 AC लगे होते हैं, AC लगे होते हैं या DC इन्वर्टर्स लगे होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो है ना बाहर निकालते हैं। हमें क्यों ठंडक महसूस होती है? हमें ठंडक महसूस भी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही होती है। फ्रिज कूलिंग क्यों करता है? इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ही कूलिंग करता है। तो ये जो है ना ये जो केमिकल है ये ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लीशन का बायस है ओजोन का, इसकी वजह से ही ओजोन डिप्लीट हो रही है। एंड एज एक्सटिंग्विशर्स एक्सेट्रॉस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर percolating up through the atmosphere and reducing O3 to O2, मतलब ये ऊपर एटमोसफेयर की तरफ जाता है और O3 को डिप्लीट करके O2 में कन्वर्ट कर देता है। जब O3 में से O डिप्लीट हो जाता है इसका मतलब ये है कि ओजोन की जो लेयर है वो थिनर होती जाती है, वो और पतली होती जा रही है। अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद द अल्ट्रावायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय एज मैनी एज मिलियन ओजोन मालिक्यूल्स, मतलब एक छोटा सा मालिक्यूल्स मिलियंस ऑफ ओजोन मालिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो खुद सोचें, दिन में मिलियंस ऑफ जो है ना क्लोरीन एटम जो है वो ऊपर एटमोसफेयर की तरफ जाते हैं, तो सपोज वो कितनी ज़्यादा जो है ना ओजोन मालिक्यूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। ओजोन लेयर डिप्लेशन ड्यू टू एयर पोल्यूशन, वी आर फेसिंग द ओजोन लेयर डिप्लेशन, इस एयर की पोल्यूशन की वजह से ही हम ओजोन लेयर की डिप्लेशन का बायस बने हुए हैं। द लेटेस्ट स्टडी ऑफ ओजोन लेयर रिवील दैट ओजोन इज रैपिडली डिप्लीटेड, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रही है। वही मैंने आपको बताया ना कि अब मिलियंस जो है ना क्लोरीन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, तो जब एक सिंगल क्लोरीन जो है वो मिलियंस ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ क्लोरीन होंगे तो वो कितने बहुत ज़्यादा जो है ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो रैपिडली ही डिप्लीट होगी। द डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स व्हिच कंटेन द क्लोरीन फ्लोरीन्स इन द कार्बन्स। सोर्सेज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एयर कंडीशनर्स इन आवर होम्स, ऑफिसेज एंड द व्हीकल्स एंड ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर्स,
As chlorofluorocarbons rise to the atmosphere, ultraviolet rays cause chlorine is released. The chlorine is released, destroyed the ozone molecule in the ozone layer. As the ozone layer becomes thinner, more ultraviolet rays from the sun are able to reach Earth. ज़्यादा से ज़्यादा ozone layer deplete होगी, जब ज़्यादा deplete होगी तो उतना ज़्यादा जो है हमारे पास ultraviolet rays हैं वो अर्थ की तरफ आएंगी, और जब अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ की तरफ आएंगी तो उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ कॉज होंगी। अब कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पर ओजोन डिप्लेशन हो रही है? द लेवल ऑफ द ओजोन इज द इन द ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिका हैज़ फॉलन ड्रेस्टिकली एंड हैज़ लेड टू अ होल। जो अंटार्कटिका का एरिया वहाँ पर जो है ये जो रिहायशी एरिया मतलब जैसे जहाँ हम रहते हैं ये अंटार्कटिका का एरिया है, यहाँ पर वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है कि वो लेड टू अ होल, वहाँ पर एक होल बन गया। द ओजोन लेयर हैज़ आल्सो बीन फाउंड टू डिक्रीज ओवर द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन्स के अंदर भी जो है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन इट इफ़ मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ सर्फेस दे विल अफेक्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन पर पहुँचेंगी तो ये सारी हमारी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देंगी और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी बहुत रैपिडली अर्थ के ऊपर। दे कॉज स्किन कैंसर्स एंड कैट्रैक्ट इन ह्यूमन्स, मतलब ये ह्यूमन्स के अंदर स्किन कैंसर का बाइस बनती है। दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप्स प्लांट्स ट्रीज एंड इवन मैरिन प्लैंकटन्स एंड डिस्टॉर्ब द वेदर पैटर्न्स। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से ये होगा कि जो क्रॉप्स होंगी वो भी अफेक्टेड होंगी, प्लांट्स जो होंगे वो झुलस जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे, ट्रीज़ जो हैं बर्न आउट हो जाएंगे। तो हमारा जब ट्रीज़ बर्न आउट होंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस लेने में मसला होगा। ये लोगों को पीट्स होते हैं, दमे की बीमारी होती है, लोगों को मिर्गी होती है, इसी वजह से होती है कि वो ऑक्सीजन की उनकी कमी हो जाती है। तो ये सारी बीमारियाँ जो हैं ओजोन की डिप्लेशन की वजह से हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना कम से कम क्वान्टिटी में अपने ये रेफ्रिजरेटर यूज़ करें, अपने जो है ना एयर कंडीशनर यूज़ करें, ताकि हम जो अपनी एटमॉस्फेयर को ख़ुद ही बचा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।